और पिछले 28 दिन से चल रहे इस महायुद्ध का असर दुनिया के कई बड़े देशों पर पड़ रहा है, खासकर यूरोप में रूस यूक्रेन हमले को लेकर काफी हलचल है, काफी चर्चा है और काफी बेचैनी है। यूक्रेन पर अटैक के क्या क्या असर पड़े हैं, क्या क्या इफेक्ट पड़े हैं, ये हम आपको बताएंगे। किस तरीके से इस युद्ध का असर पड़ रहा है, तो यूक्रेन पर अटैक क्या क्या इफेक्ट, इसको जानने के लिए आइए बिग बॉल ग्राफिक का रुख करते हैं। जेलेंस्की की आज जापान की संसद को वर्चुअली उसका उनका संबोधन होगा, जापान की संसद को संबोधित करेंगे और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की पुतिन जेलेंस्की से बात भी हुई है। तुर्की की एक बड़ी भूमिका रही है और अभी भी तुर्की को लेकर कई सारे प्रश्न उठ रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी पुतिन से बातचीत की है, लगातार फ्रांस की तरफ से भी कोशिश बातचीत की चल रही है पुतिन से। जंग पर मोदी ने ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन से चर्चा की है कि शांति कैसे बहाल की जाए, बातचीत के जरिए कैसे इसका रास्ता निकाला जाए, यूक्रेन रूस विवाद का समाधान बातचीत से निकाला जाए, यह प्रधानमंत्री ने कहा है। और पुतिन ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को मॉस्को आने का न्योता दिया है। रूस भी लगातार लॉबिंग करने में लगा है अपने पक्ष के देशों को साथ रखने में, और रूस ने नाटो को यूक्रेन को मदद बंद करने की चेतावनी भी दी है, और ये चेतावनी बार बार पुतिन की तरफ से उन देशों को दी जा रही है जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। जंग में 10,000 रूसी सैनिकों की मौत, 16,000 घायल हुए। डेली मेल के हिसाब से अगर आंकड़ों की बात करें तो रूसी हमले में यूक्रेन में अब तक 117 मासूमों की मौत, 155 बच्चे इस युद्ध में इस हमले में अब तक घायल बताए जा रहे हैं। और बाइडेन की तुर्की से यूक्रेन को रूसी फाइटर S-400 देने की अपील की गई है। बाइडेन तुर्की से अपील करते हुए यूक्रेन को और सैन्य मदद दी जाए, रूस की गैस तेल कंपनियों पर पाबंदी से पहले सोच लें, यह नीदरलैंड ने भी कहा है, क्योंकि यूरोप के सामने एक बड़ी चुनौती ऑयल सप्लाई की है, गैस सप्लाई की है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।